हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आज 5 मिनट में आप जानेंगे कि बोर्ड कैसे बनाएं, कनेक्शन कैसे करें और उसका बॉल पंखे के साथ कनेक्शन करके कंप्लीट वायरिंग भी आप जानेंगे बस 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आपको अपने सुविधा के अनुसार 5 पिन सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर लगा लेना है। आप चाहें तो फ्यूज भी लगा सकते हैं या फिर MCB भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ एक MCB दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से बैठा लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक वायर लेना है, एक वायर जो आपका फेज रहेगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फेज है ये। ठीक है, ये इंडिकेटर के एक लेग में, बाकी स्विच के तीनों लेग में जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर के एक लेग में, बाकी स्विच के तीनों लेग में चलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए आप, कंप्लीट हो गया ये वाला, उसके बाद स्विच के एक पिन से, किसी स्विच के एक पिन से ले जाके आप यहाँ पर दे दीजिए, ये इस तरह करने बाद राइट साइड। ठीक है ना, सीधा करने बाद राइट साइड वाले पिन में आप दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप ब्लैक कलर का तार लीजिए, जिसको मैंने न्यूट्रल यहाँ पे मैंने लिख दिया है न्यूट्रल, उस न्यूट्रल को एक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, 5 पिन सॉकेट के इस पिन पे, जो कि लेफ्ट वाला पिन होगा सीधा करने के बाद, और या उसी तार को लाके यहाँ पे दे दीजिए, जो कि इंडिकेटर का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका बोर्ड तैयार हो गया। ठीक है, अब बच गया 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट में, ठीक है, आप देखिए मैंने बल्ब रखा है आपके लिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो बल्ब का देखिए यहाँ पे मैंने बल्ब लिख दिया है, तो बल्ब का पिन एक किसी एक में दे दीजिए। ठीक है, और जो मैंने फैन में लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए फैन भी मैंने रखा हुआ है आपको चेक करके दिखाने के लिए, तो फैन का मैं यहाँ देता हूँ, मैं बॉल यहाँ दे देता हूँ और फैन यहाँ देता हूँ, आप किसी में भी दे दीजिए, आप जिसमें दीजिएगा आपका वहीं स्विच रहेगा। देखिए फैन का मैंने यहाँ दे दिया और बल्ब का मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, तो देख लीजिए ये स्विच इसका हो गया, ये बल्ब का हो गया, ये फैन का हो गया। ठीक है, अब मात्र देखिए ये 2 तार आपके निकल रहे हैं यहाँ से 2 तार आपके निकल रहे हैं, जो कि एक तार को आप चाहें तो चीनी मिट्टी वाले फ्यूज दीजिए या फिर कोई भी फ्यूज दीजिए या फिर MCB में दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका कनेक्शन MCB से कर दे रहा हूँ, जो कि फेज है। ठीक है, ये हो गया, अच्छे से आप टाइट कर लीजिए। उसके बाद देखिए न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आपका निकल रहा था शुरू में, लेकिन अब तो आपने बॉल भी लगाया है और पंखे भी लगाया है, तो 2 न्यूट्रल आपके और हो गए, तो वो न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, तीनों को अब क्या करना है आपको, एक में न्यूट्रल समझिए, न्यूट्रल वायर इसको कॉमन वायर भी कहा था, क्योंकि सबका ये कॉमन एक तार यहाँ होता ही है, इसलिए तो ये हो गया आपका सभी का कॉमन या न्यूट्रल, एक में कॉमन कर दिया गया सभी के न्यूट्रल को, और फेज दे दिया गया MCB के थ्रू, यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक मेन काम ये भी अर्थिंग वायर का होता है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसे ना छोड़ें, आप इसे लगाएं, आप जो भी डिवाइस यूज करेंगे, मेटालिक जिसकी बॉडी होती है उसमें जो करंट आता है, अगर ये लगा रहेगा तो आपको उसमें करंट नहीं आएगा, उसके करंट को अर्थेड करके ये तार खत्म कर देगा। मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है अर्थेड वायर, जो कि हमेशा ग्रीन वायर होता है, इसको भौम तार भी कहा जाता है। ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जो तार आता है, मीटर से जो तार आता है, 2 तो एक तो फेज हो गया, एक न्यूट्रल आता है, तो उस न्यूट्रल यानी फिर न्यूट्रल मतलब कॉमन, सभी के न्यूट्रल को यानी कॉमन को एक में दे दीजिए। ठीक है, अभी मैं MCB को डाउन कर देता हूँ, सभी स्विच को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक एक करके आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने सप्लाई दे दिया, सप्लाई यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गई। देखिए ध्यान से, हमेशा फेज वाले तार में ही MCB लगाना है, ताकि आपको ये MCB ऑफ होने से फेज सप्लाई जो है आपका बोर्ड का बिल्कुल कट जाए। जैसे मैंने यहाँ ऑन किया, देखिए आप इंडिकेटर को ऑन करते ही इंडिकेटर जल गया। अब देखिए, अब जैसे मैं इसको चेक करने के लिए आपको ये लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको ऑन किया, बल्ब जल गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बल्ब को मैंने ऑन किया, बल्ब जल गया, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया, इसको हटा दिया। अब आई पंखे की बारी, तो पंखा चेक करने के लिए मैं इसको उठा लेता हूँ, क्योंकि आपको चेक करने के लिए मैंने टेबल पर ही रखा है इसको। ऐसे देखिए हो गया, जैसे मैं फैन ऑन करूँगा फैन घूमने लगेगा। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।